भारत में यही है, मसाले सारे सारे मौजूद हैं सिवाय अजवाइन के, सिवाय जीरा, जीरा भी ख़त्म हो गया है, और अदरक, अदरक जीरा और अजवाइन, इनके अलावा सारे मसाले मौजूद हैं। लेकिन खाने पीने को कोई चीज़ नहीं है सिवाय आटा गूंदता हूँ, गूंद के या तो ये कहवे के साथ, कहवा भी बगैर चीनी के, चीनी भी नहीं है मेरे पास। इस तरह से आप चीज़ों को नोट करके तो मेरी, मुझे 15 दिन की ना चीज़ें भिजवा दीजिएगा, लाजमी भिजवा दीजिएगा। और दूसरे नंबर पर जो आपको रिक्वेस्ट की है ना, वो कोई मैंने ज़िद में नहीं की, ज़िद में आखिर आपको 4-5 बात बताता हूँ, आपने खुद आपने ज़िद में की है, मैंने ज़िद में नहीं की। कि आप, मैं एक स्टैम्प मेकिंग का काम शुरू करना चाह रहा हूँ यहीं पर एडिको पे भी बैठ के, ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो साथ चलता ही रहेगा। इधर सामने चर्च है, चर्च में वो बैनर बनवाते हैं, वो बैनर हम किसी और से ही बनवाते हैं, उसका इतना बड़ा मसला नहीं है कि किसी और से बनवा लें या खुद बनवाएं, खुद बनवाने के लिए बल्कि ज़्यादा ज़रूरत होती हैं, ज़्यादा काम ज़रूरत होता है, तो बाहर से बनवाना ही अच्छा रहता है। उसके लिए जो चीज़ें आपको जिस पैरामीटर में कहेंगे ना, पूरे पूरा एक दो दिन नहीं, पूरा पूरा महीना दिया कि महीने में आप पहले CPU खरीद लें, पहले महीने CPU खरीद लें, दूसरे महीने आप खरीद लें 32 इंच की LED। LED के दो फायदे हैं, एक तो फ़ायदा ये है कि बड़ी है, मुझे नज़र में प्रॉब्लम है तो नज़र सही आएगा, और दूसरे नंबर पर उसका खर्चा आम LCD से, LCD और LED दो अलग अलग चीज़ें हैं, LCD के मुकाबले में 75% कम है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर ये काम आप कर सकते हो, ये मत भूलो, मत भूलो, किसी लम्हे भी मत भूलो कि 5 साल से इधर दलील हो रहा हूँ। अगर तो ये काम कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए ये 70 करोड़ नहीं 700 करोड़ का बिजनेस होगा, जो आप करके देंगे, जदोजहद ही जिंदगी का नाम है, जदोजहद ही आप करो, करने का मुझे मौका दोगे और मैं करूँगा। और अगर आप खुदा ना खासा जदोजहद नहीं करते, तो फिर एक और बहुत वैलिड पॉइंट है, अभी की लड़की को आपको पहले बता चुका हूँ, कभी बुलाएं आप, मेरी गैर मौजूदगी में बुलाएं, आप बिठाएं उसको आधे घंटे के लिए अपने पास, और असेस करके आप बताएं कि ये बंदे, ये औरत कुछ भी कर सकती होगी, कुछ भी कर सकती होगी, जो कुछ करती है वो मुझे पता है, लेकिन वो मैं नहीं बताता, लेकिन वो सफाई का काम नहीं कर सकती। पिछली दफ़ा आई, दूध गायब किया, दो दूध गायब किए, एक दूध पीक मिल्क का गायब किया पूरा डब्बा, एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं किया था, दूसरा आधा डब्बा सी बॉर्न मिल्क, आधा डब्बा भी वो भी ज़ाया कर दिया उसने। और उसने इस दफ़ा, आप दूसरी दफ़ा आई है, उसने बड़ी मासूमियत से कह दिया कि वो तो मैंने ज़ाया कर दिए थे। और मेरा एक, उसने अभी आज इस विजिट पे उसने मेरा एक सूट, पूरा सूट, शर्ट और एक नीचे वो मैंने पहन के बैठा हूँ, वो शर्ट और वो मतलब वो गिराने की कोशिश की कि इस पे पोटी लगी हुई है, मतलब इस पे टट्टी लगी हुई है। अब एग्जैक्ट उसके 15 मिनट बाद उसने खुद ही वो उसके बेटे ने टट्टी कर दी, उसने बड़े नफासत से वो साफ की और सामने टूटी पे धोई। मैं तो जो टट्टी लगी हुई है वो मैं बता सकता हूँ कि मैंने कम से कम नहीं की, वो बच्ची की थी, वो मतलब जो भी थी मासूम बच्ची थी, उसने कर दी थी और मैंने इससे पूंजी थी उससे, वो इतनी नवाब की पुत्र है। और दूसरे नंबर पर पहली दफ़ा भी और दूसरी दफ़ा भी उसने आधा आधा किलो का मेरा लीटर कुकिंग ऑयल भी ज़ाया किया, ये मैं साबित कर सकता हूँ, उससे साबित करवा सकता हूँ, उसने दोनों दफ़ा आधा आधा लीटर मेरा कुकिंग ऑयल का भी ज़ाया किया। तो खुदा रहा इस तरह की लड़की ना भेजें, कम्प्लेक्स और ज़िद आपको है कि क्यों हमने उसको खातून को बुलाना है, जो मुसलमान खातून है, वो काम भी इससे बेहतर करती है, इसी रेट पे करने को तैयार है, लेकिन क्यों उसको बुलाना है, क्योंकि इफ्तिखार ने कह दिया। बहरहाल मेरी अहमियत की बातें ये नहीं है, मेरी टेंशन जो है ना बहुत बढ़ चुकी हुई है, मेरे लिए वो चीज़ें टाइम फ्रेम के अंदर, और मुझे बुला के लेके जाए, मैं आपको दिखाऊंगा एक्सपायर्ड टेक्नोलॉजी, Core i3 एक्सपायर्ड टेक्नोलॉजी है, इधर लूमे में भी एक्सपायर्ड टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान में तो Core i9 भी एक्सपायर हो गया हुआ है, लेकिन इधर लूमे में Core i3 एक्सपायर्ड टेक्नोलॉजी है, और वो मिल जाती है 60-70 हज़ार में, 60 हज़ार में मिल जाती है बड़ी आसानी से, CPU मिल जाता है 40 हज़ार की, LED मिल जाती है, ये सारा कुछ 1 लाख में पूरा हो जाता है। लेकिन आप पूरा ना करें, एक महीने में पूरा ना करें, एक महीने में CPU लेके दे दें, अगले महीने आप LED ले दें, और ये काम खुदा के लिए आप कर दें, मेरे लिए ये 700 करोड़ का बिजनेस इसलिए होगा कि मैं इस बहाने मसरूफ होऊंगा, कुछ टेंशन कम होगी, फालज का खतरा बढ़ेगा, फालज का खतरा कम होगा, अगर कम नहीं होगा तो फिर